नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए जयपुर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान राजपूत परिषद कर्नाटक द्वारा बेंगलोर में रविंद्र सिंह भाटी का सम्मान किया गया। रविंद्र सिंह भाटी को बेंगलोर बुलाया गया इस आयोजन के लिए। वहाँ पर रह रहे प्रवासी राजपूत परिवार जितने भी वहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा राजस्थान राजपूत परिषद का वहां पर गठन किया हुआ है। तो जिस तरीके से राजस्थान राजपूत परिषद कर्नाटक में काम करती है, वहां पर रह रहे राजपूत परिवार जो कि राजस्थान से गए हुए हैं, वहां पर वो कार्य करते हैं, उन्हीं को लेकर ये संगठन वहां पर बनाया हुआ है। और जिस तरीके से प्रवासी वहाँ पर रहते हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी का वहाँ पर स्वागत समारोह के अंदर भव्य सम्मान किया गया। और इस सम्मान को देखकर रविंद्र सिंह भाटी अभिभूत हुए और कहा कि यहाँ पर रह रहे जितने भी लोग हैं, सभी को देखकर और समाज के जिस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं, अपनी समाज को पहचान जो देते हुए और यहाँ पर अपने संस्कारों को बनाकर रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रशंसनीय काम है। और वहाँ पर उनका जो सम्मान किया गया है, उसके लिए उन्होंने अभिवादन दिया है जितने भी वहाँ पर सभी लोग थे, संगठन के लोग थे और समाज के जितने भी लोग थे। रविंद्र सिंह भाटी जिस कदर छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो जगह जगह पर उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़े उभरते हुए नेता वो बनने वाले हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी जिस कदर अभी तक हमेशा छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे चलकर वो आम जन के लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे, सभी यही कामना करते हैं। बाकी खबरों के लिए जयपुर वॉइस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।